आज की वर्चुअल क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। ये शब्द शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा, किताब में आप पढ़ते भी होंगे, देखा भी होगा इस शब्द को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोजन की खोज कैसे हुई। हाइड्रोजन की खोज के लिए सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने अम्ल एवं धातु की, किस किस की, अम्ल धातु की जब आपस में क्रिया कराई तो देखा एक गैस उत्पन्न हो रही है। बस उनको इतना समझ आया कि जब अम्ल और धातु आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है, पर उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। बस ये कहते कि जब अम्ल और धातु आपस में जब क्रिया करेंगे तो गैस उत्पन्न होगी। फिर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लेवोशियर, याद रखिएगा ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेवोशियर वैज्ञानिक जो थे उन्होंने उसी गैस को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जो हेनरी कैवेंडिश ने खोजी थी, जिस गैस को, उसी गैस की क्रिया उन्होंने जब ऑक्सीजन के साथ कराई तो उन्होंने पाया कि जब वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो क्या बना रही है, पानी बन रहा है। तो उन्होंने पाया इस चीज में कि यह पानी, पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो यह पानी मतलब क्या है, इसके अंदर इसका नाम उन्होंने नामकरण कर दिया कि यह गैस का नाम है हाइड्रोजन, तब से इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर बता रही हूं, सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने अम्ल और धातु की जब आपस में क्रिया कराई तो एक गैस उत्पन्न हुई, उस गैस को लेवोशियर नामक साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई तो क्रिया कराने में उन्होंने देखा कि जल बन रहा है, तब उन्होंने उस गैस का नाम रखा हाइड्रोजन। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन, अब हम यहां डिस्कशन करेंगे आपसे कि में हाइड्रोजन का स्थान क्या है। आप लोग अभी जब पढ़ते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, यदि आप पुरानी आवर्त सारणियों को देखें तो ये डिस्कशन का विषय है कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला था, या उसको एक जगह रखा दूसरी जगह रखा, ये रखना बहुत मुश्किल हो रहा था या समझ नहीं आ रहा था, वो क्या कारण थे, उन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में हमारा पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। हमारी आवर्त सारणी में हमारा सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। पर ये हाइड्रोजन जो तत्व है वह बहुत ही विचित्र तत्व है। क्यों विचित्र है, देखिए हाइड्रोजन के अंदर एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सिर्फ एक होता है, यानी उसके पास एक, वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, दोनों स्थितियां उसके अंदर, और दोनों ही स्थिति में वह स्थाई आयन बनाता है, स्थाई मतलब स्टेबल हो जाता है। जब वह इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा मतलब खाली हो जाएगा उसका घर, तो भी स्थाई हो जाएगा, और यदि वह किसी से ग्रहण कर लेगा तब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब भी वह स्थाई हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर दोनों ही स्थिति में स्थाई आयन बनाता है। समझ में आई आपको मेरी बात। अब बात करते हैं हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। आपने इतनी आवर्त सारणी पढ़ी और अभी आप जो रिसेंट पढ़ते हैं पढ़नी पड़ते हैं, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान पहले था
वह दोषपूर्ण था। क्यों दोषपूर्ण था? क्योंकि गुणों के आधार पर देखा जाए तो यह चार धातुओं के समान भी गुण करता है, बिहेव करता है, और हेलोजन के समान भी व्यवहार करता है, दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। यदि वह चार धातु के समान व्यवहार करता है तो उसे फर्स्ट ए ग्रुप में रखना चाहिए, और वो हेलोजन के समान व्यवहार करता है तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहा उस समय कि हम इसे किस जगह पर रखें। तो इसके कारण उन्होंने कई चीजों को निकाला कि क्षार धातुओं के साथ क्या समानता प्रदर्शित कर रहा है या हेलोजन के साथ क्या समानता प्रदर्शित कर रहा है। इन सब चीजों का अभी हम डिस्कशन करेंगे। आपको यहां तक मेरी बात समझ आई? जिन छात्रों को मेरी बात समझ नहीं आई है जब हाथ खड़े कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा कि किनको समझ नहीं आया। हाथ खड़े करने का मतलब क्या है? सागर से बात समझ नहीं आई है क्या? सागर से बात समझ में आ गई है तो मैं उसी चीज आगे बढ़ाती हूं। क्षार धातुओं के साथ ध्यान से सुनिएगा, ये क्षार धातुओं की भांति जो पहला ग्रुप है आपका, पहले ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं? क्षार धातुएं नाम मालूम है आपको? यदि नाम मालूम है तो बताइए कौन कौन सी हैं क्षार धातुएं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये सभी हमारी कौन सी हैं? क्षार धातुएं। तो क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन परमाणु में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं, एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब क्षार धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। जब भी क्षार धातुएं क्रिया करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तो उनके पास जो उनके बाह्य ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको वे आसानी से छोड़ देती हैं। लेकिन हाइड्रोजन अपने उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ता। आई बात समझ में? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ता। उसकी कोशिश यह रहती है कि मैं दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करके मैं अणु का निर्माण करूं तो दोनों की शेयरिंग से करें या सांझे से करें हम, मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान ना करूं या दूसरा भी मेरे साथ मिलकर शेयरिंग करके हम अणु का निर्माण करें। कोशिश हाइड्रोजन की पूरे टाइम यही रहती है, शेयरिंग की क्रिया में वह ज्यादा भरोसा रखता है। कैसे? उसका एग्जाम्पल मैं आप बताती हूँ। एक ये हाइड्रोजन परमाणु है, जब ये दूसरे से जुड़ता है तो अब ये दोनों अणु बनाएंगे, तो ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने एक दूसरे से शेयरिंग लेंगे और शेयरिंग करके अपने बीच में एक बंध स्थापित करके अणु का निर्माण कर लेंगे। सांझे में इलेक्ट्रॉन देने की ये अधिक प्रवृत्ति रखते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हेलोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन का ऋण विद्युतीय गुण इतना कम होता है कि यह केवल अधिक धन विद्युतीय धातुओं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सारे हाइड्रोजन जितने भी हेलोजन हैं, उनका ऋण विद्युतीय गुण अधिक होता है हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन का उनके कंपेयर में कम होता है। कम होने के कारण वो क्या करता है कि जिनके पास अधिक धन विद्युतीय धातुएं होती है उनके पास से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, उनके पास से इलेक्ट्रॉन को वह आसानी से ले लेता है। तो ही कारण रहा
क्षार धातुओं के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है और हेलोजन के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। अभी मैं बहुत सारी चीजों में आपको बताऊंगी, पर हम ये जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी सी चीजें हैं यहां पर। अब हमारा विषय ये है कि आवर्त सारणी में उसको स्थान कौन सा मिलना चाहिए, या फर्स्ट ए मिलना चाहिए या सेकंड ए मिलना चाहिए। पर लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारे सामने आई वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तैयार की गई, परमाणु क्रमांक के आधार पर तैयार की गई कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले रखा जाएगा। तो इसी आधार पर हाइड्रोजन को प्रथम स्थान मिला क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप में रखते हैं। समझ आया आपको? अब हम आगे बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ किस प्रकार समानता प्रदर्शित करता है। क्षार धातुओं के साथ समानता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इसके बाद हम देखेंगे धनाइन के बनाना, धनाइन किस प्रकार बनाता है, फिर हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, फिर हम देखेंगे अपचायक गुण के आधार पर, नेक्स्ट हम देखेंगे धन विद्युतीय गुण के आधार पर, और लास्ट में देखेंगे यौगिक बनाने के आधार पर। हम एक एक को समझेंगे यहाँ पर। तो करते हैं क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस प्रकार समानता प्रदर्शित करता है क्षार धातुओं को। क्षार धातुएं मैंने आपको पहले ही बताई कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ आप कुछ का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हम लिथियम का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लिथियम लिया जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तीन होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s1। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अब समानता कहाँ प्रदर्शित कर रहा है ये देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s1। यानी उसके y ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। इसी प्रकार हाइड्रोजन के y ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। इस कारण वह क्षार धातुओं के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है। समझ आया आपको? दोनों के y ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होने के कारण वह क्षार धातुओं के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है। अब हम दूसरी बात करें धनाइन का बनाना। धनाइन में हम क्या बात करेंगे? आपने देखा, मान लीजिए ये लिथियम लेते हैं हम। लिथियम में ये क्या करेगा, इसके y ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर देगा तो इसके ऊपर एक धन। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो उसके ऊपर भी एक धन का निशान आ जाएगा। आप सोडियम में भी देख सकते हैं, ये हमने सोडियम लिया जिसका परमाणु क्रमांक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो हो गया 11 हमारे। अब इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसके ऊपर एक धनाइन हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s का इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा।
तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर ये अपने ऊपर धनायन बना सकता है, एक धनायन। तो यही प्रवृत्ति किसके साथ है? क्षार धातुओं के साथ भी है कि क्षार धातुएं भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने ऊपर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब हम बात करते हैं आगे ऑक्सीकरण अवस्था पर। ऑक्सीकरण अवस्था, अभी हम समानताएं पढ़ रहे हैं कि वे क्षार धातुओं से किन किन चीजों में समानता प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण अवस्था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की भांति हाइड्रोजन भी प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नोट कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की भांति हाइड्रोजन भी प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कैसे? देखिए, ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को शेयरिंग में, तो इसके ऊपर एक धनायन, क्योंकि क्लोरीन ने ग्रहण किया है, इसके ऊपर एक ऋणायन। एक धनायन होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन, इसने ग्रहण किया तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस वन हो गई। इस प्रकार आप दूसरी जगह देखिए, क्षार धातुएं सोडियम जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो सोडियम यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी एक धनायन इसके ऊपर। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका, तो एक ऋणायन। तो यहां सोडियम की प्लस ऑक्सीकरण अवस्था और क्लोरीन की माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्षार धातुओं के समान ही प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन। हमने तीन पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन बनाना, ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम बात करते हैं अपचायक गुण की। अपचायक गुण क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी इसके अंदर अपचायक गुण पाया जाता है। इसके अंदर अपचायक गुण है और यही अपचायक गुण क्षार धातुओं में भी पाया जाता है, क्योंकि वह भी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करने की प्रवृत्ति रखती हैं। नेक्स्ट है धन विद्युती गुण। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी धन विद्युती गुण प्रदर्शित करता है और सल्फर, ऑक्सीजन व हेलोजन जैसे ऋण विद्युती तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना लेता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया धन विद्युती गुण प्रदर्शित करता है, ये किसी के साथ शेयरिंग करके अपने ऊपर एक धनायन बना लेता है, यानी इसके अंदर धन विद्युती गुण पाया जाता है क्षार धातुओं के समान। क्लियर हो गया? और लास्ट हमारा था यौगिक बनाना। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी अधातुओं से संयोग करके यौगिक बना लेता है। समझ आया आपको कि क्षार धातुओं में किन किन चीजों के साथ वे समानता प्रदर्शित करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, धनायन बनाने के आधार पर, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर, धन विद्युती गुण के आधार पर और यौगिक बनाने के आधार पर समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम हैलोजन तत्वों के साथ समानता देखेंगे।
हैलोजन तत्वों के साथ समानता भी कुछ इसी प्रकार प्रदर्शित करता है। नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, दूसरा रेनाइन का बनना, हमने वहां धनाइन बनाया था, या रेनाइन का बनना, परमाणुता, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया और हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा विस्थापन। ये चीजें आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको जब आप रिएक्शन लिखते हैं उस समय बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हेलोजन से किस प्रकार समानता प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ठीक है, हेलोजन परमाणुओं के बाहरी कक्षा में, जितने भी हेलोजन हैं उनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं हेलोजन तत्व क्लोरीन का, जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना हुआ 5, हो गया 17 हमारे। इसके बाह्य ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का मैंने आपको पहले भी बताया है 1, इसको अपना वाई ऑर्बिटल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन तो अपना अष्टक पूरा कर रहा है, पर ये इसके पास क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपना वाई ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पूरा करने के लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये हेलोजन के साथ समानता प्रदर्शित करता है। अब हम दूसरी बात करते हैं ऋणायन का बनना, बनाना। ऋणायन कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब यदि अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर तुरंत क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे से जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। आप ले लीजिए क्लोरीन को, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसका होता है 2, 8, 7। ये भी यदि दूसरे क्लोरीन से या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्लोरीन के ऊपर भी 1 ऋण का चार्ज रहता है। यदि वे किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 8, तो क्लोरीन के ऊपर भी 1 ऋण चार्ज हो जाता है। यानी हेलोजन तत्वों के समान ही हाइड्रोजन भी अपने ऊपर 1 ऋण आयन लगा लेता है, यानी इस प्रकार वह के साथ समानता प्रदर्शित करता है। हमारा तीसरा बिंदु था इसमें परमाणुता। ये ध्यान से समझने वाली बात है, हाइड्रोजन भी हेलोजन की तरह द्विपरमाणु अणु बनाता है। ये ध्यान देने योग्य इसलिए है क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु है क्यों, तो इसका आंसर आप सुनिएगा। द्विपरमाणु अणु के रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है क्योंकि
बाह्यतम कोश में इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के पश्चात यह स्थायी द्विपरमाणु अणु बना लेता है। स्थायी, ये बात, ये शब्द सोचने वाला है, स्टेबल हो जाता है। जब तक उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वह अनस्टेबल रहेगा, किसी को दान कर देगा तब भी अनस्टेबल की स्थिति रहेगी। तो स्थायी कब होगा? जब वह किसी से सांझे में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग करके जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग करता है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं? H2 अणु। तो H2 अणु स्टेबल हो जाता है, स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के कारण यह द्विपरमाणु अणु। इसी प्रकार हेलोजन भी द्विपरमाणु अणु बनाते हैं, जैसे F2 बनाता है, Cl2 भी बनाता है, और सभी हेलोजन द्विपरमाणु अणु बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट है इसका धातुओं के साथ प्रतिक्रिया। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, जिनकी संरचना हेलोजन के यौगिकों के समान होती है, जिनकी संरचना हेलोजन के यौगिक के समान होती है, यानी हेलोजन के साथ भी समानता प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। और लास्ट है हमारा हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा विस्थापन। हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा विस्थापन, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आगे भी है लेसन में। एक उदाहरण देती हूं मैं, इथेन। कौन बताएगा इथेन का फॉर्मूला किसको? बताइए, माइक लेके बताइए जरा जल्दी से, इथेन का फॉर्मूला क्या है? छिंदवाड़ा बताइए बेटा जल्दी से। बोलो बेटा, हेलो मैम, इथेन का फॉर्मूला है? हाँ बोलो। CnH2n। CnH2n, यस मैम। तो हम इसको लिख सकते हैं C2, आगे बोलो, H2। हम इथेन की बात कर रहे हैं बेटा, क्या होगा? C2H6। Yes, अब हम इसके साथ यहाँ देखिएगा ध्यान से, C2H6 जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, C2H6 जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। कैसे? C2H5 यहाँ 6 था तो यहाँ एक हट गया, 5 बन गया, और उसकी जगह पर क्या लग गया? एक Cl लग गया, और HCl बाहर निकल गया। यस मैम, समझ में आया? तो ये क्रिया आपकी जैसे जैसे लगातार चलती रहेगी तो हाइड्रोजन का हेलोजन के द्वारा विस्थापन आपको समझ में आता जाएगा। हम मेथेन में भी दे सकते हैं,
हमने इथेन में देखा है, ऐसे हम मेथेन में भी देख सकते हैं। तो ये थे हमारे जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैलोजन के साथ समानता प्रदर्शित करने वाले। हमने पहला देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, दूसरा देखा हमने रेंज के आधार पर, तीसरा परमाणुकता के आधार पर, चौथा देखा हमने धातुओं के साथ प्रतिक्रिया के आधार पर, और पांचवा देखा हमने हाइड्रोजन का हैलोजनों के द्वारा विस्थापन के आधार पर। पर इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो हाइड्रोजन द्विक परमाणु अणु बनाता है या हाइड्रोजन द्विक परमाणु के रूप में रहता है क्यों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ये तो आपने काफी पहले पढ़ा हुआ है और बहुत समय से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आप में से कोई मुझे समस्थानिक की परिभाषा बताएगा, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, कोई परिभाषा बताएगा मुझे? हेलो मैम। हाँ, समस्थानिक की परिभाषा मैम, ऐसे वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। वेरी गुड। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो पहला जो समस्थानिक है प्रोटियम, आपको यह चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी H11। एक प्रोटॉन है जो धनायन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटॉन है, और बाहर ऑर्बिटल में जो चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, ऋण आयन जो लगा हुआ है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में बाहर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा और एक आपका प्रोटॉन है, और यह पिंक कलर में आपको एक दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये न्यूट्रॉन है। यानी ड्यूटीरियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, और ट्राइटियम में हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटियम का परमाणु भार 1.00812 होता है। प्रोटियम का परमाणु भार 1.00812 होता है। इसे हम लाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे हम लाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2.014 होता है। 2.014 होता है। जो ड्यूटेरियम है इसके आप ऑक्साइड देखोगे तो उसके ऑक्साइड में आपको मिलेगा D2O, यानी भारी हाइड्रोजन D2O। आप आगे पढ़ेंगे उसी को, मैं आगे बताऊंगी, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट है आपका ट्राइटियम जिसका कि परमाणु भार होता है 3.017। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि हाइड्रोजन को हम किन किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन को हम मुख्य रूप से तीन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला अम्ल से, दूसरा जल से, अब तीसरा क्षार से। तो जो एक इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, वो और मैं आपको बताती हूँ, वो हम किससे प्राप्त करेंगे? अम्ल के साथ क्रिया करके। अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, देखिएगा ध्यान से। ये हमने ली वुल्फ बोतल। इस वुल्फ बोतल के अंदर हम दानेदार जिंक को भरेंगे या डालकर रखेंगे। वुल्फ बोतल के अंदर
दानेदार जिंक को हम रखेंगे और थिसिल फनल की सहायता से हम इसमें H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। थिसिल फनल की सहायता से हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया कर लेता है तब गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। वह हाइड्रोजन गैस को हम निकास नली के द्वारा जार में एकत्रित कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम निकास नली के द्वारा निकाल करके एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। और क्या अभिक्रिया होती है इसकी, ये देखिएगा। रिएक्शन में आपको बता दूं, रिएक्शन है इसकी जिंक और H2SO4। जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तब बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जब एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो हाइड्रोजन को प्राप्त करने की वैसे बेसिकली तीन चीजें हैं। अम्ल से प्राप्त कर सकते, जल से प्राप्त कर सकते हैं, क्षार से प्राप्त कर सकते हैं। पर मैंने जो आपको समझाई है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कि अम्ल के द्वारा हम हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो अम्ल के द्वारा हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम दानेदार जिंक को लेंगे और उसमें हम तनु H2SO4 डालेंगे। जब तनु H2SO4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है जिंक के साथ क्रिया कर लेता है तब वह जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है और उस हाइड्रोजन गैस को हम निकास नली के द्वारा निकाल करके एकत्रित कर लेते हैं। इसको हम प्रयोगशाला में आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन मैंने आपको बताई, इस रिएक्शन के द्वारा आप लिख सकते हैं, मतलब जो बोला है डायग्राम प्लस रिएक्शन और मेथड, ये आप तीनों चीजें लिख करके इसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक चीज और बता दूं कि प्रयोगशाला में जल से कैसे प्राप्त करते हैं, सिर्फ देख लीजिएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है बट आपको मालूम होना चाहिए कि जल से कैसे प्राप्त करते हैं। जल के विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। जल के अपघटन के हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध जल कुचालक होने के कारण इसका विद्युत अपघटन नहीं हो सकता। जो शुद्ध जल होता है कुचालक होने के कारण इसका विद्युत अपघटन नहीं हो सकता। इसलिए जल में थोड़ा सा हम अम्ल मिलाएंगे, थोड़ा सा क्षार मिला सकते हैं हम, तब हम इसमें आसानी से विद्युत अपघटन की क्रिया करा सकते हैं। और विद्युत अपघटन जैसे ही हो जाएगा तब उसमें आयरन कैथोड व निकिल एनोड मिलाए जाते हैं। क्या क्या लेंगे हम, आयरन कैथोड और निकिल एनोड दोनों का हम उपयोग करेंगे और उसके द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वह हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर जाकर एकत्रित हो जाती है। ये देखिए, कोशिश की है मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बताने की कि कैथोड के ऊपर जाकर वह एकत्रित हो जाती है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हाइड्रोजन के यौगिक कार्य में, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।